नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को पढ़ाया पाठ, कहा सत्ता में मौज मस्ती करने नहीं आए, कहीं गड़बड़ दिखे तो बस मुझे कर दें एक मैसेज। योगी के राज में एसपी सरकार के करीबी रहे 58 अफसरों की छुट्टी, सीएम आदित्यनाथ ने दिए निष्कासन के आदेश, कृपा पात्र अधिकारियों की सूची में राज्यपाल के सचिव भी शामिल। पीएम मोदी ने मन की बात में न्यू इंडिया के लिए जनता से की अपील, कहा हफ्ते में एक दिन ना करें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल, 125 करोड़ देशवासी ही डालेंगे न्यू इंडिया की मजबूत नींव। मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की जुबान हुई बेलगाम, कहा गो हत्या करने वालों के तोड़वा दूंगा हाथ पैर, वंदे मातरम नहीं बोलने पर मिलेगी सजा। यूपी में बूचड़खानों पर बैन के बाद बदला शाही बिरयानी का जायका, बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए चिकन और मटन व्यापारी, कहा सरकार ने पैदा किया रोजी रोटी पर संकट। तमिलनाडु के शख्स ने घोषित की 246 करोड़ की ब्लैक मनी, सरकार को देना होगा 45% टैक्स, नोटबंदी के दौरान भारतीय ओवरसीज बैंक में जमा करवाए थे रुपए। 1 अप्रैल से पहले ही आ गया जियो का नया ऑफर, सस्ते डेटा के लिए पेश किया प्राइम मेंबरशिप ऑफर, 1 साल में 5,988 रुपए का रिचार्ज पैक यूज करने पर मिलेगा 120 GB फ्री डेटा। अमेरिका के सिनसिनाटी नाइट क्लब में 2 हथियारबंद लोगों ने की गोलीबारी, फायरिंग में 1 की मौत, 15 लोग घायल, पुलिस ने आतंकी साजिश से किया इनकार। धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म, नाथन लियोन की फिरकी से मुश्किल में पड़ा भारत, 248 पर गवाए 6 विकेट। और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील के झगड़े में कूदे कीकू शारदा, कीकू ने सुनील ग्रोवर से मिलाया हाथ, 1 अप्रैल से सुनील ग्रोवर लेकर आ रहे हैं नया कॉमेडी शो डॉक्टर गुलाटीज कॉमेडी क्लिनिक। ये तो वही अब तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां आए खबरें लगातार।